Very good morning, all of you. Dekhiye students, apne last class mein fourth one exercise kar rahe the. Fourth one exercise mein apne kitne kuch ho gaye the? Kahan tak ho gaya tha? Fourth, second ke fourth ko gaya tha. Second ka final two, two x equal to minus ka five. Fourth one exercise, question number second ka five. Two x equal to minus ka five ka ye to hai. x equal to minus का 5 by अब देखो इसको तो ये है ये 2x plus का 5 by equal to 0 अब आपको पता है ax plus by plus का c equal to 0 होता है by compare करेंगे इसको अब बताओ क्या है यार same x के साथ क्या आ रहा है x के साथ y आ रहा है x की a की वैल्यू क्या आ रही है 2 y के साथ भी आ रहा है y के साथ की वैल्यू जीरो गई फाइव सी तो कुछ है नहीं उसी के तरह रहेगा जीरो आंसर आ गया इसका देखो सिक्स वाला क्या है थ्री एक्स प्लस का टू थ्री एक्स प्लस का टू इक्वल में जीरो कंपेयर करेंगे एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो आई कंपेयरिंग कितना हो जाएगा बताओ देखिए यहाँ पे बात करें अपने ए की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू टू सी की वैल्यू जीरो हम आई सेवन वाला देखो सेवन वाला है वाई माइनस टू वाई माइनस टू ठीक है वाई माइनस टू करेंगे और आप मेरे को ऐसे बताओ आपके पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो वाई कंपेयरिंग y कंपेयरिंग x के साथ कौन आ रहा है a भी आ रहा है x के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे x i लेगा तो a की वैल्यू ये चलियो y के साथ भी आ रहा है यहाँ पे y के साथ क्या आ रहा है वन आ रहा है अरे जिसके साथ कुछ दिखता नहीं तो क्या होता है वन को पता है ना यहाँ पे बताओ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी अब c की वैल्यू बताओ अरे जो बच गया वो सी की वैल्यू क्या होगी माइनस का एक है लास्ट इसका एट वाला वो क्या है फाइव इक्वल टू टू एक्स को मैं ले रहा हूँ माइनस का टू एक्स होगा क्या होगा और प्लस का फाइव इक्वल जीरो आपको पता है ए एक्स प्लस का बी वाई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल जीरो y comparing कितना हो जाएगा x के साथ यार x के साथ यार a की वैल्यू कितनी minus two b की वैल्यू नहीं है zero c कितना five exercise खत्म four point one कितना हो गई है four point two कर लिया आपने अच्छा ठीक है चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आप आगे चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज चलते हैं चलो अब देखो फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज में कितने कैसे कैसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक बार के अगर मेरे पास एक इक्वेशन है कितनी इक्वेशन है फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज की बात करो पहले समझा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देखिए फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप मेरे को ये बताओ जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव ठीक है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जैसे मैंने ऐसे लिखा एक्स इक्वल टू वाई को बदल दिया वाई की वैल्यू करें किसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे मान लो क्या मेरा एक्स वाई इक्वल टू जीरो
तो मेरा एक्स कितना आएगा y का अगर अगर मैं पुट करूं y की वैल्यू 1 मेरा x कितना आएगा y माइनस 1 आएगा x के लिए क्या होगा 4 होगा ऐसे क्यों होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा अब देखो मेरी बात को समझो कितनी वैल्यू रख सकता हूं इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यू रख सकता हूं इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे मेरी बात को समझ रहे हो जितनी वैल्यू आती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं यस और नो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन समझ में आ रही अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे बिल्कुल आएंगे y कर रहा है सारा y कर रहा है एक ऐसा भी हो सकता है इसको मैरी सॉल्यूशन बोलते हैं क्या बोलते हैं मैरी सॉल्यूशन का मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं मैरी सॉल्यूशन एक ऐसा भी हो सकता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो उसको क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन ये बात को समझ रहे हो मैरी चलो फॉर पार्ट टू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कैसे भी बात करते हैं वो ऐसे बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू एंड व्हाई y equal to 3x plus का 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट y equal to 3x plus का 5 आप मेरे को ऐसे बताओ x की कुछ भी वैल्यू रखो y की कोई ना कोई वैल्यू आए जब x की वैल्यू रखने पर y आएगा बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो आंसर कौन सा आ रहा है पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा तो पहला वाला तो क्या हो गया देखो अगर आपने पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दिया वन पुट कर दिया तो बताओ वाई कितना है ये आएगा कि नहीं ये बोलो तो सही हो अगर पुट कर दिया आपने एक्स की वैल्यू 2 तो वाई कितना है 3 इनटू 2 प्लस 5 6 प्लस 5 कितना होगा 11 ऐसे अगर मान लो आपने y की वैल्यू पुट कर दी कितनी नहीं x की पुट करें ना x की पुट करें y आ रहा है x को 5 x को 5 x को 5 पुट ऐसी कर रहे हैं आ जा y x की वैल्यू पहले 1 पुट की फिर 2 अब क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे मैं बोल रहा हूं पहले 1 पुट किया 2 पुट किया अब 3 y ना 3 3 9 plus 5 होती रहेगा भी है 5 का सर मेरी बात को समझो y को भी कितना आ गया 14 आ गया पहले 3 पुट किया तो पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा ये x है ये मेरा y है x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ फिर 2 फिर 3 तो मैं ऐसे ही चलता जा रहा हूँ ऐसे आगे तक चलता जा रहा हूं ये बात तो समझ रहे हो तो ऐसे आगे तक आते रहे अरे इनफाइनाइट तक जा रहे कहां तक क्या है इनफाइनाइट जब बंद हो गया तो क्या है 8 2 को क्या करना है 11 अब कितने में ले पा रहा है इस पे बंद करने के बाद इस पे कितना ले पा 3 पा यस अगला क्या है 14 आया नहीं है 14 तो आ रहा है अगला क्या है 4 आएगा अगला क्या है 5 इस पे 3 3 का गैप तो सारा दिया है तुम्हें बल्कि आए अरे ऐसे ही चलते जाएंगे कितनी वैल्यू जाएगी कितनी वैल्यू जाएगी बात समझ में आ रही होगी इसका पहला है यूनिक सॉल्यूशन ये तो क्या हो गया ये तो रॉन्ग हुआ नहीं हुआ ये तो फॉल्स हो गया क्या हो गया फॉल्स क्यों कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं दूसरा क्या है दूसरा ऑप्शन क्या है इसका टू सॉल्यूशंस वो भी नहीं हो सकता ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स लास्ट वाला क्या होगा
ये होगा नहीं होगा yes. ये होगा क्यों होगा क्योंकि सर नंबर ऑफ सिंपलीफाई है ये क्या होगा ट्रू बिकॉज़ ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बात को समझ गए होंगे अरे बोलो तो सही बोलो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चलो अब आगे ना कल आप पढ़ेंगे इसको देखो इसकी कितनी वैल्यूज सही वाले फोर सॉल्यूशन निकाल लिए तो y वैल्यू ये x आया y वैल्यू x आया चार और एक ऐसे देखो ये ऐसे ये दो तीन चार ऐसे बॉक्स बनाएंगे क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे अगर आप सब भी छोड़ बढ़िया अगली बार एक्सेप्ट हो तो सभी स्टूडेंट्स अगर आप कॉपी लेके आएंगे अपने जो अगली एक्सरसाइज आएगी 4.3 उसको किससे करेंगे ग्राफ पेपर पे करेंगे ग्राफ कॉपी आएगी वो कॉपी लेके आएंगे तो बाकी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफी है जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कर लेना थैंक यू सो मच थैंक यू इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी स्टूडेंट्स चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया